हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं आज पूरा दिन क्या क्या काम करने वाली हूँ। अलारिक की तबीयत ख़राब है क्योंकि 1.5 ईयर का वैक्सीनेशन मैंने जो है कल कराया है। देखो यहाँ आओ, यहाँ पे छोटा सा प्रिक है, दिख रहा है? दोनों थाइस पे एक्चुअली ये प्रिक है। एंड बेबी को बुखार आ गया है वैक्सीनेशन की वजह से। वैक्सीनेशन जब कराते हैं तो बॉडी में एंटीबॉडीज चढ़ते हैं, तो 100% बेबीज़ को बुखार आ जाता है। मॉर्निंग 5:30-6 o'clock को उठकर मतलब बदन तप रहा था बच्चे का, और हमने सिरप पिलाया। सिरप के साथ साथ हमने दूध में मिला के हम इसे अगर सिरप पिलाते हैं तो ये अच्छी तरह से पी लेता है। सिर्फ सिरप नहीं पीते बच्चे, वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है ओनली सिरप पिलाना। सो वी आर हियर एंड अभी इसका नाश्ता रेडी करते हैं और जल्दी से रेडी होके मेरे फ्रेंड कारुण्या के घर जा रहे हैं हम, क्योंकि आई हैव सत्यनारायण पूजा टू अटेंड। ऑलरेडी 11 o'clock हो चुका है, 12:30 वहाँ रहना है, बहुत अर्जेंट में आज सब कुछ करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट रेडी टुगेदर टुडे। अलारिक से हाय। हाय, ये देखो कैसे स्वेट हुआ है बेबी, कम विथ मी, अब भी उठा है। यहाँ पूरे के पूरे बेड पे देखिए, इतना मोटा ब्लैंकेट डाल के सुलाया था मैंने इसको, पूरे के पूरे बेड पे स्वेट हुआ है। इतना डिफ़िकल्ट होता है जब बेबी का वैक्सीनेशन होता है, इतना रोते हैं किड्स जब उनका वैक्सीनेशन होता है, क्योंकि अभी तो उनको पता है कि ये डॉक्टर का दुकान है और यहाँ पे मुझे इंजेक्शन पड़ने वाली है, तो आधे घंटे पहले से ही रोने लगते हैं जब हम चेकअप के लिए जाते हैं। बट नेवरदलेस बनी विल मेक हिज ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट रेडी आई तम्मा, तिंडी ये नहीं दे। सो नॉर्मली माई बेबीज ब्रेकफास्ट इज रागी मॉल्ट। इस रागी मॉल्ट को कैसे बनाते हैं, पहले तो रागी को धोते हैं, फिर धूप में अच्छी तरह से सुखाते हैं, और उसके बाद में उसमें बादाम, कैश्यू, रेजिन्स वगैरह पीस के, रागी के साथ पीस के हम एक पाउडर रेडी करके रखते हैं, और एवरीडे मॉर्निंग हम उस पाउडर को उबाल के एक मॉल्ट जैसा बना देते हैं। और ये रहा मॉल्ट, ये देखिए यहाँ पे मॉल्ट अभी डाला है हमने। ये मॉल्ट पिलाना थोड़ा आसान होता है और इससे पेट काफ़ी टाइम के लिए बहुत फुल भी होता है। बेबी के वेट के लिए आई हैव टू ऐड ऑलमोस्ट 5 ml ऑफ क्रोसिन सिरप, एंड बिकॉज ही हैज़ फीवर तो हम उसे मॉल्ट में मिक्स कर रहे हैं। मॉल्ट में हमने डाल दिया क्योंकि ये सिर्फ सिरप नहीं पीता, ये डरता है कि ये कड़वा होगा, तो बिल्कुल दवाइयाँ पसंद नहीं है हर बच्चे की तरह। इनको टीवी बताते हुए महाराज को हम ब्रेकफास्ट करा देंगे एंड मैं रेडी होने जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ। डल है बहुत अलारिक, नॉर्मली ये बहुत चुलबुला है मेरा बेटा, बट आज बहुत डल है बिकॉज ही हैज़ फीवर, और दूसरी बात अब भी ये नींद से उठा है, ये इनका सिंहासन है। एंड ये टीवी देखते हुए हम इनको, होल्ड योर बॉटल, तो मैं अभी क्विकली रेडी होके आने वाली हूँ। देखिए टीवी देख रहा है, देखिए टीवी, ये टीवी देखते हुए आजकल बच्चे खा पी लेते हैं। वॉल्यूम हमने कॉपीराइट की वजह से कम किया है, अब हम वॉल्यूम भी बढ़ाने वाले हैं। मैं बच्चों को बिल्कुल टीवी या बिल्कुल मोबाइल नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है मोबाइल एंड टीवी दिखाना, सिर्फ खाना खाते वक्त 5-10 मिनट, नहीं तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। चाहे कुछ भी करो, रो कूदो नाचो गाओ, टीवी नहीं मिलेगी, मोबाइल हाथ में नहीं मिलेगा। और ये मैं एक ओपिनियन मेरा हर एक पेरेंट को देना चाहूँगी, बिकॉज मोबाइल सिंड्रोम की वजह से बच्चे आइसोलेटेड हो जाके बहुत ही मेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहे हैं। हॉस्पिटल में बच्चे भरे हुए हैं मोबाइल प्रॉब्लम की वजह से और टीवी की एडिक्शन की वजह से, टेक्नोलॉजी की एडिक्शन की वजह से। मैं और थोड़ा सा बच्चे को बड़ा करूँगी और घर के बाहर ही भेजूँगी और खुद भी उसके साथ जाके घर के बाहर खेलूँगी, ये मेरा डिसीजन है। सो कम विथ मी। वेलकम टू माई बेडरूम। सो दिस सेक्शन थोड़ा सा मेस में है सब कुछ,
बट आज मैं कुछ बहुत ही नया पहनने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या पहनूँ। ये एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस मेरा मैंने परचेस किया था मॉम्स चॉइस से, तो ये फेस्टिव वेयर जैसा भी है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू वेयर दिस टुडे। एंड टुडे यहाँ पे पूरे जितने भी हैं सब नए कपड़े हैं, तो मैं आपको मेरे पूरे नए कपड़ों का कलेक्शन आज ही नए वीडियो में बताऊँगी। अब मैं क्विकली इस ब्यूटीफुल ड्रेस में रेडी होके आप सबके सामने आती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा चैनल काफ़ी नया है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आप नीचे ये बताइए मुझे कि आपको क्या क्या देखना पसंद होगा मेरे चैनल में। एंड ये मेरे बेबी के साथ मेरा अर्ली मॉर्निंग्स कुछ ऐसा रहता है। एंड नेक्स्ट वाओ, अलारिक इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपको तैयार होके वाओ ये बताने वाली हूँ कि वाओ अलारिक इज फीलिंग बेटर। इतना ही मॉल्ट पिया इसने, पकौड़ी मैंने स्टार्टिंग में कितने अच्छी तरह से पी रहा था, दो सिप पी के अभी रुक गया। प्लीज अलारिक, प्लीज प्लीज हनी, वाओ चुटी, वाओ। पीछे बर्ड्स उड़ रही हैं टीवी में, इसीलिए वाओ बोल रहा है ये। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ, और हमारे साथ बने रहिए। आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम में हमारा 24 लाख फॉलोअर्स का चैनल है, फेसबुक में 44 लाख का चैनल है, हर जगह सब्सक्राइब करिए। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है संजना गलरानी ऑफिशियल, उधर भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अलारिक भी मेकअप कर रहा है, देखो अल्लाह बोल रहा अलारिक, कुछ भी उठा के गिराने से अल्लाह बोलो अलारिक, अल्लाह बस अब तैयार होगा और लेट्स गेट रेडी।